once again welcome to my online tutorial class class 7 subject moral science chapter 1 topic looking ahead part 1 lecture number 24 तो आपके पास एक किताब होगी ब्रिक ब्रिक जो पुरानी किताब है इस साल भी चलेगा सो टेक चैप्टर 1 एंड टॉपिक इज लुकिंग अहेड लुकिंग अहेड मीन्स आगे देखना आगे की बारे सोचना एंड दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन करेज साहस बच्चों जब भी हम साहस की बात करते हैं आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी जैसे कि सुपरमैन या बैटमैन जो सीरियल में आप देखते हैं वही बातें उनके कारनामे आपके दिमाग में आती होंगी बट करेज कैन मीन डिफरेंट थिंग्स लेकिन करेज का मतलब अलग भी हो सकता है जैसे एक बच्चा है रोड में जो मान लिया कुत्ता का बच्चा है उसको बिजी रोड से निकालता है तो वो भी एक साहस का काम है अगर आप इनजस्टिस या अन्याय के विरोध में बोलते हैं वो भी साहस का काम है दुख के समय बीमारी के समय अगर हंसना मुस्कुराना ये भी साहस का काम है इसके कई उदाहरण हैं या जैसे आजकल कोरोना जो महामारी है हमारे बीच में है काफ़ी लोग हताश हो गए हैं निराश हो गए हैं इस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं सकारात्मक सोचते हैं तो ये भी साहस का काम है तो इस कहानी में आप हम देखेंगे किस तरह रामनीत है वो किस तरह फेस करती है नई जगह जाती है और किस तरह एडजस्ट करती है बुक निकालिए तो हम लोग पढ़ते हैं जो साहस पर आधारित है रामनीत सैट इन हर न्यू हाउस वेटिंग फॉर हर पेरेंट्स टू अनपैक एंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन इन देयर न्यू होम दे हैड जस्ट अराइव्ड ए कपल ऑफ डेज अर्लियर फ्रॉम अमृतसर रामनीत हैड बीन इन अमृतसर एवर सिंस हर बर्थ एंड कमिंग टू हिज न्यू सिटी ऑफ मुंबई एक्सेट्रा रामनीत वॉन्टेड टू कंटिन्यू हर स्टडीज इन अमृतसर बट हर फादर हैड रिसीव्ड ए जॉब ऑफर एंड सो दे हैड टू लीव इसका हिंदी आप ध्यान से सुनेंगे तो रामनीत एक लड़की है वो नए घर में बैठी है और इंतजार कर रही है अपने पेरेंट्स की जो सामान थी उसको अनपैक करने के लिए और वहाँ पर सेटल होने के लिए नए रूम में नए घर में वो कुछ ही दिन पहले अमृतसर से आई हुई है अपने पेरेंट्स के साथ है और रामनीत का जन्म अमृतसर में ही हुआ था और पहली बार मुंबई आई है क्योंकि उसके वो वहीं पर पढ़ना चाहती थी अमृतसर में लेकिन उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है मुंबई इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा है मुंबई ओके आगे देखिए रामनीत लुक्ड आउट टू सी हाउ डिफरेंट एवरीथिंग लुक्ड कंपेयर टू हर होम बैक इन अमृतसर तो नई जगह यानी कि मुंबई में आकर रामनीत वो देखती है कंपेयर करती है तुलना करती है कितना अलग है ये नया शहर उसके लिए अब अमृतसर से उसको क्या देखती है देयर वेर लॉट्स ऑफ वेरी टॉल बिल्डिंग्स वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग्स हैं इमारत हैं हर मदर हैड टोल्ड हर दैट पीपल ट्रैवल हियर बाय लोकल ट्रेन्स उसकी माँ अमृतसर में ही बताई थी कि मुंबई में क्या क्या है वो बताई थी कि यहाँ के लोग लोकल ट्रेन में यात्रा करते हैं दे टॉक्ड इन ए लैंग्वेज शी कुडंट अंडरस्टैंड और ये भी बताई थी कि मुंबई के लोग जो भाषा बोलते हैं वो नहीं समझ पाएगी सीइंग हर शकिंग हर मदर से रामनीत काफ़ी उदास हो गई थी नाराज़ हो गई थी शकिंग यानी नाराज होना उसको देखकर उसकी माँ बोलती है डोंट बी स्केर्ड रामनीत ए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है रामनीत यू विल स्टार्ट टू लाइक दिस प्लेस सून और ये कहती है कि रामनीत बहुत जल्द तुम इस जगह को पसंद करोगी मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स वुड लव द चांस टू कम टू सच ए बिग सिटी और आपके कई दोस्त भी यहाँ पर आने को सोचेंगे अवसर ढूंढेंगे इस बड़े शहर में इसलिए डोंट वरी उसकी माँ समझाती है रामनीत वॉज अमेज्ड एट हर न्यू सराउंडिंग्स लेकिन रामनीत अपने सराउंडिंग्स को देखकर अमेज्ड हो जाती है सरप्राइज करती है देयर फ्लैट वॉज ऑन द 12th फ्लोर ऑफ ए वेरी टॉल बिल्डिंग्स यहाँ पर वो देखती है उनका जो फ्लैट है रहने का जगह है वो 12th स्टोरीज में है काफ़ी ऊँची फ्लोर में है ए लिफ्ट स्ट्राइंस टू यूज लिफ्ट्स टू गो इन एंड आउट ऑफ द बिल्डिंग और काफ़ी ऊँचे होने के कारण
इट फेल्ट स्ट्रेंज टू यूज़ लिफ्ट, वो काफ़ी स्ट्रेंज महसूस करती थी लिफ्ट यूज़ करना, ऊपर जाना आना वो बहुत ही उस असहज महसूस कर रही थी। दैट नाइट शी थॉट अबाउट हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर फ्रेंड्स, पहली रात वो ग्रैंड पेरेंट्स और दोस्तों को काफ़ी मिस कर रही थी, याद करती है। शी मिस्ड देम सो मच, काफ़ी याद कर रही थी, मिस कर रही थी। शी सैंक हर हेड इन टू द पिलो एंड क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप, और वो अपनी सिर को तकिए में दबा कर रोते हुए सो गई, ये पहली रात। द नेक्स्ट डे एज शी क्रॉल्ड आउट ऑफ बेड शी हर्ड हर फादर से, और दूसरे दिन जब सवेरा हो गया, वो क्रॉलिंग कर रही थी बेड पर, इधर उधर हो रही थी, तभी उसके पिताजी चिल्लाते हैं, हरी अप डियर इट्स टाइम टू गो टू योर न्यू स्कूल। और पिताजी जोर से कहते हैं कि जल्दी करो, नए स्कूल में तुम्हें जाना है, मतलब यहाँ आने के बाद उसके पिताजी नए स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिए थे। दिस फील्ड रामनीत विथ मिक्स्ड फीलिंग, जब पिताजी ने कहा कि तैयार हो जाओ नए स्कूल में जाना है, तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग, कई तरह के विचार आ रहे थे। शी वॉज नर्वस अबाउट हाउ द चिल्ड्रेन एट द स्कूल वुड रिएक्ट टू हर, सोच रही थी कि नए स्कूल में उसके जो दोस्त होंगे, बच्चे होंगे, वो किस तरह रिएक्ट करेंगे उसके साथ, वुड दे वेलकम हर और वुड सी बी लेफ्ट आउट, ये सोच रही थी क्या नए लोग नए बच्चे उन्हें स्वागत करेंगे कि ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हाइल ऑन द वे टू स्कूल, जब वो रास्ते पर जा रहे थे, हर फादर टोल्ड हर, उसके पिताजी उसे कहते हैं, आई होप यू आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज एंड ट्राइंग आउट न्यू फूड। रास्ते पर उनके पिताजी बोलते हैं, मुझे आशा है कि काफ़ी तुम एक्साइटिंग फील कर रही हो नए दोस्तों से मिलने का और नई लैंग्वेज सीखने का और नए भोजन लेने का, के स्वाद लेने का। देयर इज़ सो मच फॉर यू टू एक्सपीरियंस, पिताजी कहते हैं यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम फॉर यू, और आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एडवेंचर, बहुत ही साहसिक कार्य या रोमांच कार्य होने वाला है इस नए शहर में तुम्हारे लिए। बट डैड पीपल सीम सो डिफरेंट आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम, ये सब सुनने के बाद रामनीत पापा से बोलते हैं कि पिताजी यहाँ तो सब कुछ अलग ही दिखाई देता है, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसके पिताजी बोलते हैं, डोंट वरी सेड हर फादर एज ही गैदर्ड हर इन हिज आर्म्स, बाहों में समेट लेके समेट कर पिताजी बोलते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, यू वेट एंड सी, जस्ट इंतजार कीजिए और देखिए, टुडे विल बी जस्ट फाइन, और सब कुछ ठीक हो जाएगा आज। यू बी ब्रेव एंड बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, अपने में बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, है ना, और ब्रेव बनिए। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कल देखेंगे। ओके ये वर्ड मीनिंग जरा देख लीजिएगा डिक्शनरी में, अनपैक सेटल सकिंग क्राउल नर्वस एक्साइटेड एस्कॉर्टेड। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।